दोस्तों नमस्कार। मैं आज बताने वाला हूँ, कभी हमको बूम डाउन मारना पड़ा, बाईपास करना पड़ा, तो हम बाईपास कैसे करेंगे, बूम डाउन कैसे करेंगे। बहुत सारा आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, बूम डाउन होने नहीं लगता है। गनरी रोप हमको लूज करना है, अपना पेंडल रोप को लूज करना है, बूम को खोलना है, तो कैसे करेंगे। इस मामले में मैं आज बात करूंगा दोस्तों, किस तरीके से सिस्टम में जाना है और करना है। इस मामले में मैं बात करूंगा और कैसे हमको बाईपास करना है, कभी अगर जरूरत पड़ गया तो कैसे करना है और कैसे काम करना है, इस विषय में मैं आज बात करूंगा दोस्तों। ये किस किस तरीके से हमको करके काम और निकलना है, या बूम डाउन करना है, या तो कोई भी तरह का बाईपास करना है, तो इस मामले में मैं बात करूंगा और बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो डिग्री दिखा रहा है, ये अभी 41 का डिग्री है, 41 डिग्री है, 0.5 है। ये 30 का डिग्री आएगा, 30 का डिग्री आने पे ये बूम डाउन होना बंद हो जाएगा, हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो फिर हमको कैसे बूम डाउन करना है, या तो हाबिस भी होगा वो भी बंद हो जाएगा, तो फिर हमको किस तरीके से डाउन करना है, ये आप देखिए दोस्तों। ये जो दिख रहा है, ये नीचे ये जो स्विच दिख रहा है मेरा उंगली का जो सामने है, ये इसको हमको दबाना है, मुश्किल से दबा के 10 सेकेंड रखना है। 10 सेकेंड दबा के रखिएगा, फिर आपका सिस्टम काम करने लगेगा, बूम डाउन होना चालू हो जाएगा। फिर बूम डाउन होना चालू हो जाएगा और बूम डाउन होने लगेगा। फिर क्या है दोस्तों, हम स्टैंड पे बूम डाउन मारना है। बूम डाउन मारा, अपना पेंडेंट रोप को मैं लूज किया। फिर क्या करना है, हमको पेंडेंट रोप को लूज किया, लॉक किया। उसके बाद फिर हमारा क्या है कि ये कट ऑफ बंद हो जाता है, फिर हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये हमको 10 सेकेंड का ऊपर वाला जो ये बटन है, 10 सेकेंड इसको दबा के रखना है। फिर क्या है, हमारा सारा सिस्टम इधर का ऑफ हो जाएगा और बाईपास में मेरा सभी ये सारा लीवर काम करेगा, अड़िया हबिस का जो भी है लीवर या बूम का, ये तीन काम करेगा, हमारा सारा सिस्टम काम होगा। 30 का डिग्री जब आते हैं तो ये हमारा 30 का डिग्री आने से नहीं डाउन होना, कट ऑफ हो जाएगा। तो इस बटन का 10 सेकेंड दबाना है, ये इसको दबाने के बाद फिर हमारा घाई लूज हो जाता है, बूम खोलने का नौबत है या जोड़ने का, तो हमारा ये बाईपास फिर हमारा काम करना बंद कर देगा। फिर हमारा यू ऊपर का जो है, इसको 10 सेकेंड दबा के रखेंगे, फिर दूसरा काम करेगा। दोस्तों ये सब मैं तो दूसरा वीडियो में भी बताया था, ये सेट को 3 बार दबाना है, तो ये हमारा पूरा SLI ओके होता है। ये मेनू बटन में जाएंगे तो हमारा सेटिंग आ जाएगा कंप्यूटर का। ये मोड में जाएंगे, इसमें जाएंगे तो हमारा हुक चेंजिंग होता है। ये अगर अभी हमारा मेन हुक में है, देखिए दोस्तों, अगर इसको दबाएंगे तो बॉल हुक में आ जाएगा। जो मोड को हम दबाएंगे तो ये देखिए, अभी हमारा आ गया बॉल हुक में, इसको मैं दबा के रखा था। अभी फिर मैं दबाऊंगा तो देखिए मेन हुक में आ जाएगा दोस्तों। 10 सेकेंड ओनली मैं दबा के रखा तो देखिए ये मेन हुक में आ गया। तो ये हमारा हुक का सिस्टम चेंज करने के लिए है दोस्तों, ठीक है। और सेटिंग का बारे में मैं तो दूसरे वीडियो में बताया था कि कैसे सेटिंग करना है इसको, इसका कंप्यूटर को। ये देखिए दोस्तों, ये स्विंग का है, ये स्विंग का है, इसको फास्ट सोलो स्विंग करना है, वो हिसाब से इसको हमको लेना है। ऊपर करेंगे तो खरगोश में फास्ट स्विंग होगा, नीचे करेंगे कछुआ में स्विंग होगा, सोलो होगा। तो अपना जिस हिसाब से हमको कंट्रोलिंग करना है, उस हिसाब से फास्ट सोलो स्विंग आप कर सकते हैं। ये 260 टन कोबेल्को क्रेन का ये मैं सिस्टम बता रहा हूँ दोस्तों। ये तो आप लोग को बताया ही था, ये हमारा हॉर्न के लिए बटन है, ये जो उंगली के पास में है, ये स्विंग लॉक है, इलेक्ट्रिकल लॉक है दोस्तों। ये तो हमारा ड्रम का लॉक है, ये फर्स्ट ड्रम का लॉक है, ये सेकेंड ड्रम का लॉक है, और ये हमारा बूम का लॉक है, ये बूम का इलेक्ट्रिकल लॉक दिया है, ये दोनों है वो मैकेनिकल लॉक है। और
दोस्तों, ये तो मालूम ही है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अगर हमारा लिमिट स्विच फंस गया, लिमिट स्विच फंस रहा है, हमको अड़िया हाविस करना है, बाईपास करना है, तो ये चाबी को मैं ये इधर मैं घुमाऊंगा, ये चाबी को वन करूंगा। ये चाबी वन करने के बाद, जैसे देखिए मैं अभी वन कर दिया, ये अभी ऑफ है। तो ये वन करके ये बटन को मैं इसको ये स्विच को दबाऊंगा। ये स्विच दबाने से हमारा लिमिट स्विच फंसा हुआ है, तो अड़िया हाविस होगा दोस्तों। तो दूसरा क्या है, दूसरा अगर हमारा बूम फंस रहा है, बूम का लिमिट स्विच फंसा हुआ है, अप डाउन नहीं हो रहा है, तो इसका सहारे से मैं कर सकता हूँ, चाबी वन करके ही इसके सहारे से मैं कर सकता हूँ दोस्तों। तो इसी तरीके से हमको करना है। ये तो ओवरलोड का लिमिट बाईपास तो करना ही नहीं है, ओवरलोड तो करना ही नहीं है कभी भी। ओवरलोड के लिए तो बाईपास करने का कोई है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमको है, ये सारा सिस्टम आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बाईपास करना है और काम करना है। बाकी तो और आप लोग को बताया ही है दोस्तों, ये तीनों ड्रम के लिए है, फास्ट सोलो करने के लिए है दोस्तों। ये आपका बूम का हो गया, ये सेकेंड ड्रम का हो गया, ये फर्स्ट ड्रम का हो गया, ये तो आप लोग को बताया ही है दोस्तों दूसरा वीडियो में भी। और मैं दूसरा दूसरा जानकारी दूसरे वीडियो में दूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, सभी दोस्तों का नमस्कार, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार।